यहाँ कोरोना वॉरियर्स के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। ये भोजन तैयार कराया जा रहा है इंदौर के समाज सेवियों की तरफ से, जिसमें शामिल हैं शहर के बुजुर्ग। इनका कहना है कि जब डॉक्टर और मेडिकल टीम यहाँ के लोगों का जीवन बचाने के लिए दिन रात एक किए हैं, तो इनका भी फर्ज है डॉक्टरों के लिए कुछ करने का। अहिल्या नगरी इंदौर में ये क्या हाल है, जगह जगह हॉट स्पॉट के अंदर मरीज आ रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स योद्धा के रूप में 24 घंटे में से 22-23 घंटे काम कर रहे हैं। हमने भी अपना एक फर्ज समझा और हम लोगों ने आगे आके भोजन की व्यवस्था का जिम्मा लिया डॉक्टर्स की, और हमारी पूरी टीम लगकर पौष्टिक आहार सवेरे शाम ताज़ा बनवा के, तरह तरह का भोजन बनवा के डॉक्टरों के लिए हम भिजवा रहे हैं, और ये सेवा करके हमको मन में बड़ा संतोष। भोजन का इंतजाम करने के लिए डॉक्टर इन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि भोजन उनके लिए तैयार कराया जा रहा है, वो काफी स्वादिष्ट और पौष्टिक है। धर्मेंद्र जी, यस, खाना बहुत ही अच्छा मिल रहा है, और जो भी हमें सर्व कर रहे हैं खाना, उनको तहे दिल से हम सभी डॉक्टर्स की तरफ से और सारे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग अगर 3 दिन में मेहनत कर रहे हैं और बहुत भूख लगती है, और बहुत ही होमली मेड खाना मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, और उस समय जब हमें बहुत भूख लगती है तो ये खाना हमारे लिए है ना अमृत के समान होता है। तो जितने भी लोग जो इस सभी सेवा में जुटे हैं, जो ये खाना बना रहे हैं, हमें सप्लाई कर रहे हैं, उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। इस स्थान से रोजाना 500 लोगों के लिए भोजन बनता है। आपको बता दें कि इंदौर कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। अभी तक यहां कोरोना पॉजिटिव मामले 1500 के पार चले गए हैं, लेकिन शहर के लोगों की जिंदादिली में कोई कमी नहीं आई है। लोग एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं और एक दूसरे में जोश भर रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।